सब्सक्राइब करो चढ़दिकला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम इको सी, झूठ बोल के गुटका साहब भी झूठी सौं गा के सरकार ते कब्जा कर लिए, फिर असी लुटना। आ तो काम कला इन्होंने काम चालू किया, शुरुआत बादल साहब ने की। कोविड से किवें कंट्रोल होएगा जी? आईएएस ते आईपीएस चेंज बदलते जी, कल बदले जिहड़े आईपीएस ट्रांसफर होए ने जी, एसएसपी ते डीएसपी ट्रांसफर तो हुण यार मैनूं लगदा कैप्टन नूं नहीं पता ट्रांसफर। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल शहीद ऊधम सिंह की बरसी के मौके पर सुनाम विखे पहुंचे। इस मौके उन्होंने शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार से कई शब्दी हमले किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन शहीदों की यादगारा की कोई परवाह नहीं है, तो ना ही शहीदों प्रति कोई दर्द है। तो जो भी शहीदों की इत्थे यादगार बन रही है उसकी शुरुआत सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वालों की गई सी। थोड़े थले कर लो, नीचे कर लो, बड़ा पिछे नो जाना यार, पिछे नो जो पिछे पिछे पिछे। शहीदां नूं श्रद्धांजलि पेंट करन वास्ते नीचे कर लो कोई यार। आज नाम आया भाई पिछे जरा थोड़ा कमेंट। शहीद ऊधम सिंह जी ने देखो छोटी जी उम्र विच देश वास्ते किड्डियां कुर्बानियां कीतियां। जिहड़ी उम्र नौजवानां दी पढ़न दी खेडन दी परिवार दी अग्गे सेवा करन दी, उस टाइम उन्होंने देश वास्ते कुर्बानी की। साहब प्रकाश सिंह जी बादल चीफ मिनिस्टर पांच बार बने, उन्हां दी कोशिश रही कि शहीदां नूं याद रख्या जाए, शहीदां दी याद बनाई जाए और इतिहास नूं संभालिया जाए। जिन्नियां यादगारां बनाईयां सारियां काम सदा प्रकाश सिंह बादल दी आ सोच सी कि अगनी जिहड़ी अपनी नवीं पीढ़ी है उन्होंने पता लग जाए कि अपना कौम का इतिहास की है, अपने शहादत जिन्होंने दिती है उन्होंने इतिहास की कुर्बानी है। क्योंकि जदों तक यादगारां नहीं बनदियां लोग शहीदां दे स्थान ते नहीं बनते, जदों तक रहणगे आउंदे रहणगे ऑटोमैटिकली जिहड़े नवीं जनरेशन है उन्होंने उन्होंने शहादत बारे पता लग जाएगा। सो बड़ी जरूरी है कि हर साल आ दिन बड़े वधिया तरीके नाल मनाया जाए, सो दैट नवीं पीढ़ी ने एजुकेशन खास करके स्कूलों में, मैं तो कहना कि स्कूलों के बच्चों भी लियाना चाहिए, दसना चाहिए, इतिहास में पढ़ाना चाहिए, उस जगह पर लियाना चाहिए। सरकार का कोई मंत्री भी नहीं आया सर, बीकी प्रोटोकॉल मुताबिक देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, जिहड़ा इंसान 3.5 साल हो गए कल्ला एक बार दरबार साहब गया होए मत्था टेकन, मतलब एक बार दुर्गेना मंदिर गया होए, जिहड़ा मुख्यमंत्री ना श्री अपने शहीद भगत सिंह की जगह ना शहीद ऊधम सिंह जगह पर एक बार ना गया होए आउंदा, उन्हूं कोई परवाह नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम इको सी, झूठ बोल के गुटका साहब भी झूठी सौं गा के सरकार ते कब्जा कर लिए, फिर असी लुटना। वो लुटन का काम कर रहे हैं, उन कोई परवाह नहीं, कोई उन्होंने इतने आने का मकसद ना है ना रहेगा, ना वो शहीदों को कोई उन्होंने दिल च कोई दर्द शहीदों पर। यादगार की गल की गई, अकाली दल का 10 साल इतने एम एल ए रहा जी, उदों भी नहीं कोई यादगार बनी। लास्ट टाइम के जो आके आखिरी साल के जो जमीन लिती गई थी उस तो पहला क्यों नहीं याद किया गया जी? परिवार मेमोरियल कांग्रेस नूं दे रहे जी। किहड़ा परिवार इन्हां दा मेमोरियल जिहड़ा बन रहा उहदा सेरा कांग्रेस नूं दे रहे सी। दसा की है, मैं इहदी ऐसियां गल्लां च जाना नहीं चाहुंदा क्योंकि आ कोई तू तू मैं मैं वाली गल नहीं है। बड़ी लोड़ है यादगार बनाउण दी, जमीन बादल साहब ने खरीदी, उहदे बाद सारा इंतजाम प्लैनिंग उन्होंने की। चलो सरकार नीह पत्थर भी बादल साहब ने रखा, काम शुरू भी पैसा भी बादल साहब ने अलॉट करके दिता सी। आ तां काम कल्ला इन्होंने काम चालू किया, शुरुआत बादल साहब ने की। आईपीएस ते आईएएस राम मंदिर निर्माण करन जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, की कहना चाहते हो, की प्रतिक्रिया तुहाडी? सी हर हर धर्म की कोई चीज़ बने
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਲੋਬੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਚੇਂਜ ਬਦਲਤੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਡੀ ਐੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਰਕਵਲ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।